युवा की बेरोजगारी, बच्चे पढ़ गए लिख गए लाखों रुपया लगाने के बाद धक्के खा रहे हैं, 3-3 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहा है। आपके साथी लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं भाई, उन्हें नहीं लगती होगी। हमारे बच्चे, हम पढ़ाया लाखों रुपया खर्च करा हमने, 3-3, 4-4 हज़ार की नौकरियां नहीं मिल रही। बिजली की हमें नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, ना हमें भीख का राशन चाहिए, वो हमारे खेतों में हो जाता है। हमें 10-20 किलो भीख नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। सबसे बढ़िया झाड़ू की सरकार, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हुआ साहब। भैया क्या लगता है इस सरकार ने कुछ किया है? सभी कुछ करा क्यों ना, क्या क्या किया है, अभी काम किया। क्या लगता है दोबारा योगी जी ही आएंगे? हाँ आ भी सकते हैं, यानी के गुंडे खड़े रहते थे और सरकारों, कोई गुंडागर्दी नहीं है यहाँ पे। भैया क्या चाहते हो किसकी सरकार? मैं ये चाहता हूँ सरकार कोई भी बने, मगर यहाँ एल्कोहल की फैक्ट्री बन रही, यहाँ पानी खराब हो जाएगा, हम लोग क्या पिएंगे यहाँ? सरकार किसकी? सरकार जब बनेगी तभी तो बंद होगा, सरकार ने ऑर्डर दिया तभी बन रही है। बरेली के फरीदपुर की सीट जिस राजनीतिक दल के प्रत्याशी ने कब्जाई, उत्तर प्रदेश में उसी राजनीतिक दल ने सत्ता पाई। जी हां, अगर बरेली के फरीदपुर विधानसभा सीट की बात करें तो 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की थी, 2012 में समाजवादी पार्टी ने और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने। अब चुनाव 2022 का है और अगर बात करें 2022 की तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मौजूदा विधायक को प्रत्याशी बनाया है, यानी श्याम बिहारी लाल जी को। और अगर बात करें फरीदपुर सीट की तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि जिस प्रत्याशी ने सीट कब्जाती है उसी की सत्ता जो है वो आती है। बात करें अगर बरेली की तो बरेली के 9 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। सीधा डेली इंसाइडर की टीम इस वक्त फरीदपुर सीट विधानसभा सीट पर मौजूद है और यहाँ से लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके विधायक ने उनके लिए कितना काम किया, इस सरकार ने उनके लिए कितना काम किया है और जो नई सरकार होगी उनसे क्या उम्मीद लगाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? धर्मवीर। धर्मवीर जी क्या लगता है इस सरकार ने कुछ किया है? अरे सही करा है सरकार ने, सही है। क्या सही है? अरे हमें कुछ नहीं जानकारी है दादा। क्या सरकार ने कुछ किया है आप लोगों के लिए? हाँ किया तो है। क्या क्या? वेतन बढ़ाया। अच्छा। और गुंडागर्दी नहीं हो रही। तो खुश हैं योगी सरकार से? हाँ खुश हैं। तो क्या लगता है 22 में किसकी सरकार बनेगी? अब लगभग योगी की आ सकती है। तो ये कह रहे हैं भैया लगभग योगी जी की आ सकती है। और भी लोग उनसे पूछेंगे भैया क्या कहना चाहेंगे, सरकार ने कुछ किया है आप लोगों के लिए? किया तो है, बहुत कुछ किया। युवाओं के लिए क्या किया है? क्या कह सकते हैं, सुना है कि बेरोजगारी बढ़ी है, क्या पता दे रहा है। चलिए इनका कुछ पता नहीं है तो और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सरकार ने उनके लिए कुछ किया है या नहीं किया है। लोग हैं लगातार, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। दादा क्या लगता है इस सरकार में कुछ हुआ है? सबसे बढ़िया झाड़ू की सरकार, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हुआ साहब। नहीं कुछ हुआ है कि नहीं हुआ योगी सरकार? कुछ नहीं हुआ, सबसे बढ़िया झाड़ू सरकार है। झाड़ू की कहाँ सरकार, यहाँ उत्तर प्रदेश में आ जाए तो सही है, दिल्ली जैसी। अच्छा, ये कह रहे हो ये झाड़ू की सरकार आ जाए। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया क्या लगता है इस सरकार ने कुछ किया है? सभी कुछ करा क्यों ना। क्या क्या किया है? अभी काम किया है। क्या लगता है दोबारा योगी जी ही आएंगे? हाँ आ भी सकते हैं। आपके मन की बात क्या है? हमारे मन की तो बात है, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। चलिए इनका कहना है कि बदलाव होना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे दादा क्या कहेंगे आप, सरकार किसकी बननी चाहिए? अरे योगी की बनेगी और क्या बनेगी। अच्छा क्यों, काम हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ, गुंडागर्दी। क्या क्या काम हुआ? यानी गुंडे खड़े रहते थे और सरकारों, कोई गुंडागर्दी नहीं है यहाँ पे। अच्छा और क्या? और अखिलेश यादव की सरकार, वो यहाँ पे मेरे गुंडा रहते थे यहाँ पे और क्या। और मायावती की सरकार, उनकी भी सरकार सही है। हाँ। तो क्या चाहते हैं किसकी सरकार बने? यही आएगी फिर से। चलिए ये कह रहे यही आएगी दादा। अब भैया आप भी बताइए किसकी सरकार आनी चाहिए? भाई हम तो झंडा जिसका लगाएं उसकी आएगी। किसका झंडा लगाएं? बीजेपी का। तो क्यों, बीजेपी ने कुछ काम किया है आप लोगों के? बिल्कुल काम किया। क्या क्या काम किया? सारे काम किए भाई, राशन योगी जी दे रहे हैं टाइम टाइम पे, हमें कोई दिक्कत हो ही नहीं रही है। तो हम महंगाई, महंगाई तो कोई महंगाई तो सबके लिए ना, बेरोजगारी, बेरोजगारी भी नहीं है ये दिख रहा है सबको, बेरोजगारी है। जो अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही, तो उनका तो गुंडा राज है, तो राजनीतिक बातें करते हैं। अच्छा हाँ, ये तो गुंडा राज, राजनीतिक बातें हैं, गुंडा राज चलता था। सर आपसे भी जानना चाहेंगे इस सरकार ने कुछ काम किया है आप लोगों के लिए?
हमारे हिसाब से तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिससे आम जनता संतुष्ट हो। अच्छा, किसकी सरकार में ऐसा क्या है? युवा की बेरोजगारी, बच्चे पढ़ गए लिख गए लाखों रुपया लगाने के बाद धक्के खा रहे हैं, 3-3 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहा है सबसे बड़ी। दूसरी समस्या है महंगाई, जो कड़वा तेल 200 रुपए लीटर बिक रहा है, गैस सिलेंडर 1,000 हो गया, पूरे घर का बजट बिगड़ गया। तो आपके साथी लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं। भाई उन्हें नहीं लगती होगी, हमारे बच्चे हम पढ़ाया लाखों रुपया खर्च करा हमने, 3-3, 4-4 हज़ार की नौकरियां नहीं मिल रही हैं। क्या कह रहे हैं भैया? भैया पहले मजदूरी कितनी चलती थी? मजदूरी की बात नहीं, बेरोजगारी की बात। पढ़ने लिखने के बाद आप ये देखिए, आप एक बच्चे को आप मेडिकल लाइन में या इंजीनियरिंग लाइन में खर्च करें तो 20-30 लाख रुपए खर्च होते हैं। बाकी सारी बातें ठीक है, क्या चाहते हैं किसकी सरकार बने? सरकार कोई भी बने, वो बने जो युवाओं को रोजगार दे। किसकी बने, कौन युवाओं की बात सोचता है? अब जैसे जयंत चौधरी, अखिलेश यादव ने कहा है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, प्रियंका गांधी भी कह रही कि रोजगार देंगे, लेकिन उनका यहाँ पर जनाधार नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव जी का है जी, उनके साथ जनता ज्यादा जुड़ा हुआ है, कांग्रेस का वजूद नहीं है। इसलिए उस आदमी को जताना चाहिए कि जो विकास की पार्टी तो बिजली भी फ्री देने की बात कर रही है। बिजली के हमें नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, न हमें भीख का राशन चाहिए, वो हमारे खेतों में हो जाता है। हमें 10-20 किलो भीख नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। इन्हें रोजगार चाहिए और भी लोग, दादा क्या कहेंगे, सरकार किसकी बननी चाहिए? ना भैया हमारे बोल तो रहे हैं। अरे आप भैया के समर्थन में आए हैं। अच्छा, ये भैया के समर्थन में भैया आपसे आप अगर आपसे जानना चाहें तो क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? चलिए ये लोग कुछ बताने की तैयार नहीं है। दादा आप बताएंगे किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। क्यों? काम बढ़िया किया है बीजेपी ने। काम बढ़िया किया बीजेपी ने? क्या काम किया? उसने काम बढ़िया किया है, राम मंदिर बनवाया है। तो राम मंदिर बरेली में कहाँ बन गया? बरेली नहीं बना, वहाँ तो बना है। बरेली की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, बरेली की रोड सब बढ़िया हो गया, बरेली देखो कितनी चमक रही है। जब हम लोग अंदर आ रहे थे तो एक पुल था जो सालों से बताया चला है काम चल रहा है। हाँ, कौन सा? फरीदपुर से पहले एक पुल पड़ता है, फतेहगंज पूर्वी। हाँ, तो वो काम चल रहा है, उस पर बन तो रहा है। उससे काम चल रहा है, करीब हो गया होगा 5-6 महीना। वो 5-6 महीना वो तो बता रहे, 5-6 साल से चल रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है भाई। तो योगी सरकार संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। ये कह रहे हैं भैया विकास बहुत हुआ है और लगातार जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। भैया क्या चाहते हो किसकी सरकार? मैं ये चाहता हूँ सरकार कोई भी बने, मगर यहाँ एल कोल की फैक्ट्री बन रही, यहाँ पानी खराब हो जाएगा, हम लोग क्या पिएंगे यहाँ? सरकार किसकी? सरकार जब बनेगी तभी तो बंद होगा, सरकार ने ऑर्डर दिया तभी बन रही है। अरे हम कहा भाजपा बन जाए, मगर ये जहर तो बंद हो जाए यहाँ पर। क्या चाहते हो? वही तो हम जानना चाह रहे हैं। क्या चाहते हैं सरकार? महंगाई क्या कहे बात? हम सोचते हैं सरकार भाजपा बन जाए, मगर यहाँ का जहर तो बंद हो जाए। ये क्यों नहीं बंद होने पर, इसको क्यों ऑर्डर दे दिया बनने के लिए यहाँ पर? कुल मिला के ये जहर की बात कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि सरकार चाहे जिसकी बने लेकिन काम होना चाहिए। अब काम कौन सरकार करेगी, कौन सा राजनीतिक दल करेगा, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। बहरहाल बात करें बरेली की, तो बरेली में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, 9 विधानसभा सीटें हैं, 10 मार्च को मतगणना होगी और ये साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बननी है और आखिरकार कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। सहयोगी शैलेन के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।